आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मैं हूँ आपके साथ रिश्ला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो में पीएम मोदी का नया नारा, अब हर सेक्टर का साथ, हर सेक्टर का विकास। असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, भड़काऊ भाषण देने का। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद चुनाव के दौरान भड़की हिंसा, बैलेट बॉक्स में तोड़फोड़। तमिलनाडु और पुडुचेरी में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, आईएसआईएस से जुड़ा है मामला। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की सुरक्षा के लिए असम सरकार का बड़ा कदम, तेज रफ्तार वाहन चलाना पड़ेगा महंगा। भड़काऊ बयान देने पर नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, मौलाना मुफ्ती सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज। लद्दाख के पास चीन कर रहा बड़ी सैन्य तैयारी, अमेरिकी जनरल ने बताया खतरे की घंटी। एनआईए ने नक्सल कमांडर हिडमा पर घोषित किया 25 लाख का इनाम, झीरम घाटी नक्सली हमले सहित कई मामलों का है मास्टरमाइंड। स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तानी नारे लगाने वाले आरोपितों के फोन खंगालने में जुटी पुलिस, सीआईए स्टाफ कर रहा पूछताछ। पंजाब में नई आबकारी नीति को कैबिनेट की मंजूरी, अंग्रेजी शराब और बियर होगी सस्ती। जम्मू अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अरनिया सेक्टर से ड्रोन ने की घुसपैठी, फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान लौटा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले जम्मू कश्मीर को बनाएंगे डिजिटल प्रदेश, उन उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। मोदी सरकार की उपलब्धियां उजागर करने को 12 जून को जम्मू संभाग के सभी जिलों में होगी भाजपा की रैली। पाकिस्तानी ड्रोन से जम्मू के अखनूर सेक्टर में गिराई आईडी की होगी एफएसएल जांच। पंजाब में राज्यपाल से मिली हरसिमरत कौर बादल, एडीजीपी से भाई विक्रम मजीठिया की जान को बताया खतरा। भाजपा विधान परिषद चुनाव में भाजपा के सभी 9 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, भाजपा कार्यालय से एक साथ पहुंचे विधान भवन। गंगा दशहरा पर सुल्तानपुर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, लाखों लोगों ने लगाई गंगा गोमती में डुबकी। शिवपाल सिंह यादव ने सपा को दिया बड़ा झटका, अपने दम पर लड़ेंगे नगरीय निकाय चुनाव, बोले हमारा साथ हुआ विश्वासघात। गोंडा में वन विभाग को मिली कामयाबी, 15 दिन बाद आईआईटी कैंपस के कबाड़ रूम से पकड़ा गया तेंदुआ।
इतिहास बन जाएगी। कई ऐतिहासिक ट्रेनें काकोरी कांड की गवाह, लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर भी होगी बंद। अलीगढ़ में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की उठी मांग, आपत्तिजनक बयान के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। अलीगढ़ में कानपुर हिंसा की जिम्मेदार नूपुर शर्मा, एएमयू छात्रों ने किया प्रदर्शन। औरैया में एक बार फिर खाकी हुई शर्मसार, शराब के नशे में होमगार्ड ने खूब किया हंगामा। मामले की जांच में कई बड़े खुलासे, जौहर फैंस के करीबियों के खातों से करोड़ों का लेन देन। रायबरेली में महिला सुरक्षा को लेकर एसपी ने दिए निर्देश, स्कूल कॉलेजों के बाहर रखवाए गए थे पिंक लेटर बॉक्स। बदायूं में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, सिक्योरिटी इंचार्ज ने अधिकारी से की शिकायत। चंदौली में मनरेगा योजना बनी लूट का बेहतर साधन, मास्टर रोल में लेबर की डिमांड है, 88 मौके पर सिर्फ 25 लेबर कर रहे हैं काम। गाजियाबाद में मंकी पॉक्स की एंट्री, एफआईआर रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। गोंडा में सिद्ध बालाजी मंदिर का निर्माण, मंदिर में हुई मूर्ति की स्थापना। शाहजहांपुर में डबल मर्डर से सनसनी, पति ने पत्नी और प्रेमी को उतारा मौत के घाट। सिद्धार्थनगर में खंड शिक्षा अधिकारी का कारनामा, गाड़ी में लगी स्कूटर की नंबर प्लेट। फरुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक अस्पताल में भर्ती। वाराणसी में साधु संतों ने किया मां गंगा का विशेष पूजन, मां गंगा से मांगी विश्व में शांति की कामना। अमेठी में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, गाड़ी में सवार 3 साल की मासूम की हुई मौत, एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। अयोध्या मार्ग जाम करने के दौरान पुलिस पर पथराव का मामला, 28 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोतवाली बीकापुर में दर्ज हुआ मुकदमा। बुलंदशहर में गंगा दशहरा पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी, कड़वास में दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालु। बलरामपुर में ग्राम प्रधान ने तमंचे से 2 व्यक्तियों को मारी गोली, आपसी रंजिश के चलते प्रधान ने की फायरिंग। शहर में पुलिस की शातिरों से मुठभेड़, कुख्यात गोकशों से थाना, गुलावटी पुलिस की हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी गोकश पुलिस की गोली से घायल। फरुखाबाद में श्रद्धालु ने लगाई आस्था की डुबकी, गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा तट पर पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दिया दान।
फर्रुखाबाद में खुलेआम घूम रहे शातिर आरोपी पीड़ित ने डीएम संजय कुमार सिंह से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित के पति पर दबंगों ने किया था जानलेवा हमला। गाजियाबाद सब्जी मंडी में पल्लेदार की हत्या, चोरी के शक में घटना को दिया अंजाम। गाजियाबाद के लोनी पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़। मुठभेड़ में दो तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल, एक तस्कर पर 25,000 का इनाम। गुंडा में फकीरों से की गई अभद्रता, जबरन लगवाए गए जय श्री राम के नारे, नारों के साथ फकीरों से कराया उठक बैठक। गोंडा लखनऊ हाईवे स्थित सरयू रेलवे क्रॉसिंग पर बैरियर टूटा, अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा रेलवे क्रॉसिंग बैरियर, राजमार्ग पर मची अफरा तफरी। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की हुई मौत। कन्नौज तमंचे के साथ एक युवक के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने तमंचाधारी युवक पर लिया एक्शन, तमंचा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। कानपुर में हिंसा का मामला संवेदनशील, इलाके की पुलिस कर रही निगरानी, कई इलाकों में ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। कानपुर के नए डीएम बने विशाख जी, डीएम विशाख जी ने कोषागार में ग्रहण किया कार्यभार, कहा जनता की समस्याओं को मिलेगा प्राथमिकता, केंद्र राज्य सरकार की परियोजनाएं समय पर होंगी पूरी। श्रावस्ती में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नवीन मॉडर्न थाना पुलिस ने की कार्यवाही, चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की गाड़ी 51 गन। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर उमड़ा सैलाब, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। अल्मोड़ा जिले में 23 बॉन्डधारी डॉक्टरों को मिली तैनाती, 17 और जल्द मिलेंगे डॉक्टर। आजादी के अमृत वर्ष में पिथौरागढ़ जिले वनराजी परिवारों को मिला भूमि का मालिकाना हक। उत्तराखंड में धामी सरकार पंचवर्षीय मेगा प्रोजेक्ट का बनाएगी रोड मैप, साथ ही युवा उत्तराखंड को ध्यान में रखकर प्रदेश के विकास पर जोर दे रहे हैं। उत्तराखंड में टीकाकरण में घटी रुचि, वैक्सीन की एक्सपायरी बनी चुनौती। दून में मेट्रो नियो के लिए राज्य के केंद्र में दस्तक, केंद्रीय सचिव मनोज जोशी ने प्रोजेक्ट को उपयुक्त ठहराया। कॉर्बेट में सफारी की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर, मानसून में भी नहीं बंद होगा फोटो जोन। चारधाम यात्रा का ज्यादा किराया वसूलने पर हरिद्वार की ट्रैवल कंपनी पर मुकदमा दर्ज। देवभूमि उत्तराखंड में हेली सेवा से जुड़ेंगे पंच केदार, श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। निकाय पंचायत व लोकसभा चुनाव में भी हासिल करेंगे शानदार विजय, उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिया ये बयान। बिजनेस में गड़बड़ी के आरोप, डोनाल्ड ट्रंप पर फैमिली बिजनेस में गड़बड़ी के आरोप, बेटे बेटी के साथ देनी होगी गवाही।
ईरान में एक दिन में 12 कैदियों को दी गई फांसी, ड्रग ट्रैफिकिंग और हत्या के थे आरोप। अफगानिस्तान के 43 कैडेट का अंतिम बैच आईएमए से होगा पास, तालिबान शासन में अधर में लटका भविष्य। रूस ने कहा ग्लोबल फूड क्राइसिस के लिए हम जिम्मेदार नहीं, यूक्रेन के जहाजों में अन्न हुआ नहीं तो रोकेंगे। आर्थिक संकट से घिरे श्रीलंका की मदद करने के लिए चीन ने की भारत की सराहना, कहा इस काम में देना योगदान। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर को फिर बनाया गया निशाना, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया। यूक्रेन युद्ध के बीच 25 जून को जर्मनी की यात्रा पर जाएंगे बाइडेन, वैश्विक खाद्य संकट समेत विभिन्न मुद्दों पर करेंगे चर्चा। मंकी पॉक्स वायरस और मचा सकती है तबाही, डब्ल्यूएचओ ने प्रसार को रोकने के लिए सभी मामलों और संपर्कों की पहचान करने का किया आग्रह। पाकिस्तान में बिगड़े हालात, रात 8:30 बजे के बाद बंद हो जाएंगे बाजार। नासा ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट 3 रॉकेट करेगा लॉन्च, सैन्य रॉकेट रेंज का होगा इस्तेमाल। वित्त मंत्री ने कहा सरकारी नीतियों ने कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने में भी निभाई अहम भूमिका। गर्मियों की छुट्टियों में रेल यात्रियों को रेलवे की सौगात, अयोध्या कांड के लिए चलेगी ये समान स्पेशल ट्रेन। सस्ता नहीं रहा क्रूड ऑयल, भारत को डिस्काउंट पर नहीं मिलेगा तेल। देश में सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरियों पर कम हो सकती है जीएसटी। ग्रोथ के लिए रिटेल एमएसएमई सेगमेंट पर फोकस करेगा पीएनबी, खर्च भी घटाएगा। वर्ल्ड बैंक की चेतावनी, मंदी से बचना मुश्किल, पूर्व एशिया और यूरोप के कई देशों पर अधिक प्रभाव। जूम कॉल पर 900 कर्मचारियों को निकालने वाले सीईओ विशाल पर अमेरिका में केस दर्ज। इस सीजन महंगा बिकेगा धान, सरकार ने बढ़ाया खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। ट्रेन में गारंटी से मिलेगा सात्विक खाना, आईआरसीटीसी ने इस कौन मंदिर से किया करार। आरआरबी परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए चलेगी परीक्षा विशेष रेल। रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश ने बनाई सेमीफाइनल में जगह, पंजाब को 10 विकेट से हराया। इटाली के संन्यास के बाद हरमनप्रीत को मिली वनडे की कप्तानी, श्रीलंका दौरे के लिए टीम घोषित।
रणजी ट्रॉफी में मुंबई ने 725 रन से उत्तराखंड को हराकर बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा करने वाली पहली टीम बनी। बाबर आजम ने लगातार तीसरी शतकीय पारी से विराट कोहली के इस रिकॉर्ड को कर दिया ध्वस्त, बने नंबर वन। दिल्ली T20 मैच के लिए बदल गया नियम, खिलाड़ियों को मिलेगी बड़ी राहत। ग्रेन रिचर्डसन के चौके से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में श्रीलंका को रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त। तेंबाबा वुआ ने एनरिक नारकिया पर जताया भरोसा, बताया टीम का बड़ा खिलाड़ी। ऋषभ पंत बोले कप्तानी मिलना शानदार एहसास, पूरे जज्बे से निभाऊंगा जिम्मेदारी। बाबर आजम का शतकीय प्रहार, पाकिस्तान के सामने 305 रन बनाकर भी हारा वेस्टइंडीज। केएल राहुल T20 सीरीज से बाहर होने पर हुए बेहद निराश, ऋषभ पंत को दी बधाई। विवाह बंधन में बंधे नयनतारा और विघ्नेश, जवान के डायरेक्टर एंटली संग शादी में शामिल हुए शाहरुख खान। भोजपुरी एक्टर और सिंगर रितेश पांडे ने खरीदी BMW कार, एक्टर के पास है लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन। शादी के दिन नयनतारा विघ्नेश ने किया नेक काम, 18,000 बच्चों को खिलाया खाना। राजकुमार राव ने पत्नी पत्र लेखा संग सपने में मिलती है पर किया धांसू डांस, उमा कुरैशी ने मांगा क्रेडिट। बेयोंसे के गाने पर विद्या बालन ने बनाया रील, एक्ट्रेस का दिखा मजेदार अंदाज। सिद्धू मूसेवाला केस में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया कुख्यात बदमाश, और सीनियर अधिकारियों की टीम करेगी पूछताछ। अनिल कपूर ने बेटी सोनम को खास अंदाज में विश किया बर्थडे, अनदेखी तस्वीर के साथ लिखा स्पेशल नोट। सामने आई शिवा का सूर्या की रिलीज डेट, पाखी हेगड़े संग होगी साउथ के शिवा कंचिमान की जोड़ी। चालीस साल की महिमा चौधरी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, अनुपम खेर ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा। कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश में बनाया अपना नया आशियाना, नदी के पत्थरों और लकड़ी से बना घर। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।